हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज 2 मार्च 2019 है और ऊर्जा ग्लोबल पे लेके आया था। ऊर्जा ग्लोबल पे थोड़ा सा आप देखेंगे प्राइस फ्लो में थोड़ा एक्शन आ रहा था। बाइंग सेंटिमेंट 100% बता रहा है और इसने अभी कुछ दिन पहले ऊपर नीचे करता रहता है। और इसका एक न्यूज आया था और वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल अनाउंसेस अंडर रिवीजन 30-year वी आर इन्वॉल्व दैट कंपनी हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ एमओयू विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द डेवलपिंग ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड लिथियम आयरन बैटरी इंक्लूडिंग स्किलिंग इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 28 फरवरी 2019। इन दिस रिगार्ड प्लीज फाइंड इनक्लोज एन एक्जर। ये उन्होंने करके सेबी को अपना एक लेटर दिया है, ऊर्जा ग्लोबल ने सबमिट किया है 1 मार्च को। डेट 1 मार्च को इन्होंने सबमिट किया है। ये एम ओ यू कुछ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इनकी साइन हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के लिए साइन किया है इन्होंने। तो उससे चलते थोड़ा सा ऊर्जा ग्लोबल में। ऊर्जा ग्लोबल इज इंडियन बेस्ड कंपनी विच इज इंगेज डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सेल्स ग्रोथ 3.32%, रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 0.32% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव है, डेप्ट 5 करोड़ का है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बिलो 1 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कवर नहीं कर पा रहा है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को खास नहीं है, ये प्राइस टू कैश फ्लो आप देखेंगे निगेटिव है, बहुत ही प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत सस्ता मिल रहा है इसके बुक वैल्यू का। कुछ अच्छा है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, पेनी स्टॉक है। मैं पहले भी इसको बोला था ये पेनी की तरह एक बार जंप करता है और ऊपर नीचे करता रहता है। लोअर में 1.70-1.75 में खरीदते हैं, ये ऊपर में 4.45 और 10 रुपये भी कभी कभी दिखा सकता है। अगर इसके चार्ट पे देखें तो अभी जो MACD लाइन बता रही है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, क्रॉस तो किया नहीं है। और RSI जो है इसका 43 बता रहा है। प्राइस एक्शन फ्लो बताएं तो प्राइस एक्शन फ्लो में जब तक 3.28 ये क्रॉस नहीं करता है, इसमें मैं बाइंग रिकमेंडेशन अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये आप देखेंगे ये जो इसका 200 मूविंग एवरेज है 3.28 आ रहा है। तो अगर ये इसको क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छा खासा हो सकता है कि फिर वापस, जैसे आपने देखा है पहले भी इसने एक बार 4.50 और 10 तक के लेवल को जा करके दिखाया है, 10 तक के लेवल को। तो 3.28 क्रॉस करता है तो शायद आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंट वापस इसमें देखने को मिल सकता है। और ऊर्जा ग्लोबल में अभी कुछ नहीं करना चाहिए आपको, एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की तरह इसको बाय करना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। रिटर्न आपको दिखा दो, 1 डे में पॉजिटिव है, अदरवाइज ये सारा निगेटिव भी आपको रिटर्न दिख रहा होगा, तो रिटर्न के अनुसार भी आपको नहीं देखना चाहिए इसको। शेयर होल्डिंग परसेंटेज में हम देखिएगा तो फाइनेंशियल प्रमोटर के पास सिर्फ 33.52% होल्डिंग है। तो ऊर्जा स्टॉक में एक न्यूज है, पेनी स्टॉक है, पोर्टफोलियो में है, ठीक है, ये ऊपर नीचे करता रहता है। और अब 3.28 के बाद इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश है। इसमें ऊर्जा ग्लोबल में एक छोटा सा ये अपडेट लेके आया था। ऊर्जा ग्लोबल वापस एक न्यूज के चलते इसको आंध्र प्रदेश में मिला है, उसके चलते ये थोड़ा सा सर्किट में घूम रहा है। अगर 3.28 क्रॉस करता है, वाच रखिए, तो हो सकता है कि फिर ये अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ऊपर दिखाने के लिए और जाएगा, 3.91 और 4.50 तक जा सकता है। तो आप ऐसा बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि ये अभी तुरंत तुरंत भाग जाएगा, छोटे छोटे एक्यूमुलेट कीजिए छोटे रेंज के लिए। जब नीचे जाता है ये, जब ये जाता है 2.68 और 2.75 के आसपास जाता है, 2 रुपये के आसपास जाता है, वहाँ बाय कीजिए। और 4 रुपये तक का कभी भी दिखाता है, 2 से 4 का इसका अच्छा खासा एक रेंज है जिसको बायलोट नहीं करता। और आप देखेंगे ये कई दिन से यहाँ पे इस ये लोअर साइड में जा रहा है, 1.48 रुपये छोड़ दीजिए। अगर मैं इस रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ये 3 रुपये के आसपास, और ऊपर यहाँ पे देखिए तो 6 रुपये के आसपास। तो ये रेंज में एक अच्छा खासा ये मूवमेंट निकाला हुआ है। अल्टीमेटली यहाँ पे फॉल होते हुए आ रहा था, यहाँ फॉल किया, फॉल को यहाँ रुका, इस लेवल पे 2.85 के आसपास रुका, और फिर वहाँ से एक बार अप ट्रेंड कोशिश करता है। बीच में कभी कभी स्पाइक देके ऊपर की ओर भी चला जाता है, लेकिन फिर उसको कंटिन्यूटी नहीं कर पाता और फिर वहाँ से फॉल कर जाता है। तो अगर एक बार ये 3.28 करता है क्रॉस, तो हो सकता है कि 4.49 के और आपको जाने की ओर यहाँ पर दिखा सकता है, 4.49 की ओर जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो 4.49 के लिए अगर किसी को चाहिए, अगर सोच रहे हैं बाइक करना है, तो एक बार इसमें बाइक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको 5-7 रुपये दिखा सकता है। आंध्र प्रदेश के साथ ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, प्रॉफिट में नहीं हो रहा है, और अगर होता है और जैसे लिथियम बैटरी वगैरह का बिजनेस कर सी, तो हो सकता है कि इसके फाइनेंशियल में अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। रिसेंटली ये जो प्रॉफिटेबिलिटी पब्लिश की है वो अच्छे प्रॉफिट पर, लॉस कम हुआ है इसका,
तो उस हिसाब से भी आप इसको देख के वॉच लिस्ट में अपने रख सकते हैं। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन मार्केट से बाय करने के लिए नहीं है, आपको केवल ये अपडेट था कि इसको एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से इसको एक मिला हुआ है ऑर्डर, लिथियम बैटरी वगैरह, इलेक्ट्रिक स्टेट डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड लिथियम आयरन बैटरी डेवलपमेंट के लिए मिला हुआ है, इंटीग्रेटेड प्लान मिला हुआ है। तो ये सिर्फ एक अपडेट था और कुछ भी नहीं था। और चाहें तो आप इसको 3/28 के बाद एक बार ट्राई करें, पेपर ट्रेडिंग करें, वॉच करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। ये एक पेनी स्टॉक है, इसमें खोने को आप ये समझिए अगर आपने कुछ भी लगाया तो 2.85 रुपये हिसाब का जा सकता है, लेकिन होगा नहीं। आपको खुद समझें, आंध्र प्रदेश जैसी गवर्नमेंट के साथ इसका अच्छा टाइप है, टाइप मतलब दिया इनको तो अच्छी खासी पहुँच है इनकी, तो अगर पहुँच है, अप्रोच है, तो प्राइस आ जानी चाहिए। तो मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर बोलें तो हर साल ये 1 रुपये का प्राइस गेन देता है, 2, 3, 4, 5 करके, तो हो सकता है कि आपको 4 रुपये की क्लोजिंग, 5 रुपये की क्लोजिंग भी ईयर एंड पे अभी जो दिख रहा है इससे डबल की क्लोजिंग आपको 2 साल के बाद देखने को मिले, 5 रुपये तक की क्लोजिंग। अब इस हिसाब से इसको देखिए और वॉच रखिए। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, मेरा बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।